हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हंड्रेड एम जी ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 19872 1872 जहां पर हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में 25 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और ये मेरा सेकंड पार्ट है वीडियो का जहाँ पर हम नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव को कवर करने वाले हैं तो आइए देखते ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन वॉलेंट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजिशन फ्राम वन पर्सन टू अन अदर इज कॉल्ड वॉलेंट्री ट्रांसफ़र का मतलब होता है जहाँ पर एक पर्सन अपनी मर्जी से कोई भी पर कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स का ट्रांसफ़र अपनी मर्जी से करता है दूसरे पर्सन के पास तो उसको हम बोलते हैं वॉल्ट्री ट्रांसफ़र तो जब हम जब एक पर्सन वॉल्ट्री ट्रांसफ़र करता है अपना गुड्स या सर जो भी गुड्स या सामान है दूसरे पर्सन को देता है तो उसे हम बोलते हैं डिलीवरी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 डिफाइन द टर्म गुड्स सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1913 के हिसाब से गुड कौन से सेक्शन में बताया गया है सेक्शन टू सेवन में गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय अ सेलर आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर जो गुड्स मैन्युफैक्चर एक्वायर करके रखता है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और फिर भी उसने एक्वायर करके रखा है तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्टीजेंट गुड्स फ्यूचर गुड्स अनसर्टेन गुड्स और नन ऑफ द उसे हम फ्यूचर गुड्स बोलते हैं द डेफिनेशन ऑफ गुड्स इन द सेल ऑफ गुड एक्ट इंक्लूड जहाँ पर हम गुड्स की डेफिनेशन देखते हैं सेल ऑफ़ गुड एक्ट एक्ट के हिसाब से तो डेफिनेशन में बताया गया है स्टॉक एंड शेयर्स दोनों ही गुड्स माने जाते हैं सेलर मीन्स अ पर्सन सेलर कौन सा पर्सन होता है हु सेल्स या फिर हु एग्री टू सेल्स या फिर बोथ ऑफ देम तो यहाँ पे राइट right आंसर है बोथ ऑफ़ देम ऐसा पर्सन जो सामान बेच रहा है या एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं फ्यूचर में सामान बेचूंगा उसे हम सेलर कहते हैं द मनी कंसिड्रेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड एक्ट इज कॉल्ड जब हम कोई सामान बेचते हैं और उसके बदले में कोई मनी देते हैं मनी का कंसिड्रेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं परचेस मनी प्राइस वैल्यू या नन ऑफ दबाव तो उसे हम कहते हैं प्राइस सेल ऑफ गुड एक्ट नाइनटीन थर्टी डील्स विथ किसके साथ डील करती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ए और बी बोथ अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो गुड्स कहलाती है इसलिए सेल ऑफ गुड एक्ट सिर्फ गुड्स के साथ ही डील करती है वो इनमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं करती इसलिए यहाँ पे राइट right आंसर रहेगा बी एन एग्रीमेंट टू सेल इज़ एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ये स्टेटमेंट सही है या गलत एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा होता है तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेलमेंट प्लस एग्रीमेंट टू सेल इनमें से कौन सा ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पर बेलमेंट और एग्रीमेंट टू सेल दोनों आता है प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना हायर परचेज का मतलब होता है जहाँ पर हम कुछ समय के लिए किसी से कुछ सामान ले रहे हैं और फिर बाद में उसको वापस करना है मॉडगेज का मतलब भी गिरवी रखने के जैसा ही होता है तो यहाँ पर बी हमारे लिए आएगा जाएगा सही आंसर हायर परचेज हायर परचेज ऐसा एक एग्रीमेंट है जहाँ पर हम बेलमेंट भी करते हैं और एग्रीमेंट टू सेल मतलब फ्यूचर के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं अस्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेन पर्पज जो कॉन्ट्रैक्ट का है उसके साथ में जुड़ा हुआ कोई भी स्टेटमेंट क्या कहलाता है वो स्टेटमेंट कंडीशन कहलाता है स्टुपुलेशन कोलैट्रल टू देंट पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कोई भी स्टेटमेंट जो किसी भी मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ में चलता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही रहेगा लेकिन वो स्टेटमेंट उसके साथ में रहेगा तो उसे हम बोलते हैं वारंटी क्योंकि वारंटी का मतलब क्या होता है जहाँ पर एक पर्सन अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वारंटी के समय हम उसको एक्सचेंज करा सकते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता वहीं अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन जब स्टिपुलेटेड रहती है और कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो इसलिए जहाँ पर मेन पर्पज़ के साथ कोई भी स्टेटमेंट कोलैटरल है उससे हम बोलेंगे वारंटी विच ऑफ़ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 थर्टी डील्स implied condition कंडीशन वारंटी कौन सा सेक्शन कंडीशंस और वारंटी के साथ डील करता है सेक्शन फोर्टीन से लेकर सेवेंटीन तक सारे सेक्शंस वारंटी और कंडीशन के साथ डील करते हैं कंडीशन एंड वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट में भी कैसा हो सकता है एक्सप्रेस्ड एम्प्लाइड एक्सप्रेस और एम्प्लाइड वोथ कंडीशन और वारंटी दोनों हो सकते हैं एक्सप्रेस्ड भी और एम्प्लाइड भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लाइड वारंटी इनमें से कौन सी कंडीशन इम्प्लाइड वारंटी की है एज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजिशंस एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनक्रमेंट्स एज टू डिस्कलोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स या फिर ऑल ऑफ द दबाव अब यहाँ पे इम्प्लाइड वारंटी का मतलब हमें पहले समझना होगा इंप्लाइड वारंटी का मतलब ऐसा है कि जहाँ पर कुछ बोला नहीं गया है लेकिन हमने समझ लिया है कि कोई भी चीज़ अगर हमें मिल रही है तो उसके साथ वारंटी जुड़ी हुई है तो इम्प्लाइड वारंटी एक्सप्रेस नहीं की जाती लेकिन ये समझी हुई रहती है कि जो भी कंडीशन है वो वारंटी के अंतर्गत आती है तो यहाँ पे तीनों कंडीशन उसमें आती है इसलिए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अब ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट वाइट वर्सा दिस स्टेटमेंट इज अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी अगर कंडीशन ही टूटती है तो कॉन्ट्रैक्ट भी टूट जाता है अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वारंटी भी नहीं है इसलिए अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होती है तो वारंटी भी ब्रीच हो जाती है ये स्टेटमेंट ट्रू है द पार्टनरशिप द टर्म पार्टनरशिप इज डिफाइंड इन सेक्शन कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप में डिफाइन किया था अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू में तो ये था सेक्शन फोर के हिसाब से अ पर्सन हु एंटर्ड इं टू द पार्टनरशिप विथ एनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड ऐसे परसन्स पर्सनस जब एक साथ जुड़ जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में काम करने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं उसे हम कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं पार्टनरशिप इज अ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्क्रेंट लिस्ट नन ऑफ द बम तो यहाँ पे राइट right आंसर रहेगा कॉन्क्रेंट लिस्ट एनेक्शन फॉर द इनडेमनिटी कैन बी ब्रॉड अगेंस्ट अ पार्टनर एनेक्शन फॉर द इनडेमनिटी कैन बी ब्रॉड अगेंस्ट अ पार्टनर बाय द फर्म बाय एनी पार्टनर और ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म बाय पार्टनर इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी आइदर ए और आइदर बी अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर इनडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगेंस्ट द पार्टनर तो वहाँ पर एक्शन कौन करेगा कोई फर्म एक्शन कर सकती है या फिर पार्टनर के बिहाफ पर कोई फर्म एक्शन करेगी तो यहाँ पर राइट आंसर ए या बी आना चाहिए दैट इज डी के लिए चले जाएगा अ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कब हो सकता है किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी कब बन जाती है वेन देर इज एन एग्रीमेंट एक्सप्रेस और एम्प्लाइड दैट प्रॉपर्टी इज टू बी ट्रीटेड एज द ऑफ द फर्म जब ऐसे एग्रीमेंट में लिखा रहता है तब किसी की प्रॉपर्टी पार्टनर की फर्म की प्रॉपर्टी बन जाती है द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या इंक्लूड रहता है ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉड इंटू द स्टॉक ऑफ द फर्म ऑल प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाई परचेज और अदरवाइज और बाय फॉर द फर्म फॉर द पर्पज एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म एंड इंक्लूड ऑल्सो द गुड्स ऑफ द सर्विसेज अब यहाँ पर अगर फर्म की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो फर्म की प्रॉपर्टी में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो किसी भी पर्सन के इंटरेस्ट से रिलेटेड रहेगी मतलब अगर बिजनेस से रिलेटेड या फर्म से रिलेटेड कोई भी चीजें हैं तो वो फर्म की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाएगी इसलिए यहाँ पे ए और बी दोनों पॉइंट को इंक्लूड किया गया है और राइट आंसर जाएगा सी के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट हैज़ द जुडिफिकेशन फॉर वेरीफाइंग फॉर ट्राइंग एंड ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन वन थर्टी एट ऑफ द नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन जाता है सेक्शन वन थर्टी के हिसाब से नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एटीन एटी वन के लिए कौन से कोर्ट में जाना पड़ेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट क्लास एस पोस्ट डेटेड चेक इज ओनली डैश वेन इट इज रिटर्न और ड्रॉन इट बिकम अ चेक वेन इट इज पेबल ऑन डिमांड पोस्ट डेटेड चेक इज ओनली अ डैश क्या हो सकता है पोस्ट डेटेड चेक उसे हम कहेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज द ऑफेंस अंडर सेक्शन वन थर्टी एट ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज नॉन कॉन्सबल एंड बेलेबल नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो ऑफेंस वन थर्टी एट के हिसाब से है वो नॉन कॉन्सेबल और बेलेबल है प्रोमिसरी नोट इज़ मेड बाय प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है प्रोमिसरी नोट क्रेडिटर डेटर होल्डर और ड्रॉई यहाँ पर प्रोमिसरी नोट बनाने वाला कौन होता है डेटर होता है तो ये थे हमारे नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि हमने प्रोमिसरी नोट को कवर किया हमने बेलमेंट सेक्शन को कवर किया और भी क्वेश्चन हमारे साथ में रहेंगे पार्ट थ्री और फोर में तो नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियोज़ के लिए होप है फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वे करें हमारे नेक्स्ट टू वीडियोज़ को थैंक यू